हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जीव जंतुओं की जो अपने आप में ही एक रहस्य है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ईल फिश की। दोस्तों, आपने सुना होगा पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते, लेकिन यहाँ उसका उल्टा है। यहाँ पानी में रहने के बाद मगरमच्छ को खुद ही डर के रहना पड़ता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ईल फिश का साइज 6 से 8 फीट तक होता है और यह 15 साल तक जीवित रहती है। इन्हें मगरमच्छ से डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई मगरमच्छ इन मछली का शिकार करना चाहता है तो वह खुद ही मारा जाता है। अमेरिका के अमेजोन नदी के मीठे पानी में रहने वाली इलेक्ट्रिकल ईल को सबसे खतरनाक और जानलेवा जीव कहा जाता है। यह मछली 860 वोल्ट तक का करंट मारती है। जब अगर इस मछली को खतरा होता है तो ये उससे भी ज्यादा वोल्ट का करंट मारती है। इलेक्ट्रिकल ईल के बच्चों में 100 वोल्ट तक का करंट होता है। यह मछली इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, सोचो यह मछली कितनी रहस्यमयी है अपने आप में ही। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे छोटी गाय के बारे में। पहले सबसे छोटी गाय का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास था, लेकिन अब वह टूटने जा रहा है और नया रिकॉर्ड अब बांग्लादेश के पास होगा। जी हाँ, अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की सबसे छोटी गाय रानी के बारे में। दोस्तों, रानी की हाइट 51 सेंटीमीटर है और उसका वजन 26 किलोग्राम है। यह मानिक गाय से भी छोटी है। मानिक गाय केरला की सबसे छोटी गाय है। अभी तक 16,000 लोग रानी गाय को देखने जा चुके हैं। जहां इतनी बड़ी गाय होती है, वहां उनके मुकाबले 51 सेंटीमीटर की गाय होना भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया के दो और अजीब जीव के बारे में जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 7 मिलियन अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ पानी पर रहती हैं तथा कुछ जमीन पर। लेकिन कुछ जानवर जमीन पर ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हें देखकर आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं तथा माना जाता है कि उनको राक्षसों ने बनाया है। तो हमारा पहला जीव है आकारी मंकी। दोस्तों, आकारी मंकी की पूंछ नहीं होती और यह देखने में बड़ा ही अजीब और खतरनाक लगता है। इसका पूरा शरीर बालों से ढका होता है और जब ये खतरे में होते हैं तो इनके फेस का रंग हल्का लाल हो जाता है। इन बंदरों के पीछे कुछ काली शक्तियों को माना जाता है जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। दोस्तों, दूसरे जीव का नाम है ग्लोबिन शार्क। दोस्तों, ग्लोबिन शार्क को सबसे पहले 1857 में जापान में देखा गया था। यह समुन्द्र की 200 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इस शार्क का पूरा शरीर मुलायम होता है। दोस्तों, यह बहुत ही ताकतवर होती है। अगर यह किसी जीव पर हमला कर दे तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।